ओके, तो अब देखिए आप, ऑस्ट्रिक और हैमलेट के बीच एक फेंसिंग मैच शुरू होता है, जैसे मैंने बताया था कि तलवारबाजी का युद्ध उनके बीच में शुरू होता है। हालांकि हॉरेशियो ने उसको मना किया था हैमलेट को, क्योंकि वो कहीं ना कहीं जानता था कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है। ओके, तो अभी क्या है, दोनों में मैच शुरू हो चुका है। ओके, दोनों लड़ रहे हैं, तो उसी दौरान हैमलेट जो है वो जीत रहा होता है। तो गर्ट्रूड जो कि उसकी मदर है हैमलेट की, वो शी वॉज रेजिंग अ टोस्ट फॉर हिज सन, ठीक है, शी वॉज रेजिंग अ टेस्ट टोस्ट फॉर हर सन, ठीक है। उसने, क्योंकि वहां पे किसी की जीत जब होती है तो उसके नाम का एक प्याला उठाया जाता है, लेकिन जब वो प्याला वो पीने लगी तो उसे पता नहीं था कि वो प्याला क्लाउडियस ने ऑलरेडी हैमलेट के लिए रखा हुआ था, उसमें क्या था, पॉइजन था। तो जो गर्ट्रूड है उस प्याले को पी लेती है जिसमें जहर है, और वो मर जाती है। ओके, तो लाइट्रस जो है वो जब देखता है कि हैमलेट जीत रहा है, तो वो उसके ऊपर एक ब्लेड से प्रहार करता है जिसपे पॉइजन लगा होता है, और तभी हैमलेट भी उस पर एक प्रहार करता है उसकी तलवार लेके, जिसपे भी उस पर भी पॉइजन लगा होता है। तो इस तरह दोनों एक दूसरे को घायल कर देते हैं और मृत्यु के कगार पर पहुंच जाते हैं। तभी लेकिन लेटरस जो है वो मरते हुए उसको सत्य बता देता है सब बातों के बारे में, तो हैमलेट को पता चल जाता है अब सब मर गए हैं, है ना। तो हॉरेशियो जो है वो भी क्या करता है, सुसाइड कमिट करना चाहता है, और लेकिन उसको हैमलेट जो है वो मना कर देता है कि नहीं, तुम्हें हैमलेट, तुम्हें जिंदा रहना है मेरी सच्चाई लोगों को बताने के लिए। और वो जब मरता है तो क्या कहता है, द रेस्ट इज साइलेंस, इस तरह से वो बोलता है। ओके, तो जो ये नॉर्वे का प्रिंस है, उसी दौरान वो फोर्टिनब्रास आ रहा होता है, क्यों, डेनमार्क पर, डेनमार्क क्रॉस करता है वो, क्योंकि वो पोलैंड पर हमला करने जा रहा है, ठीक है। तभी वो उसे देखता है कि सभी लोग वो मर चुके हैं, और उस टाइम वो सब, लेकिन हॉरेशियो उसको सारी सच्चाई बताता है, और जो अपना ये हैमलेट है उसको वो याद करता है, और इस नोट पर हमारा प्ले एंड हो जाता है।